नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने जनपद मुख्यालय से सर्वाधिक दूरी पर स्थित आदमपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने थानों के अभिलेखों, हवालात, थाना भवन, पुलिस कर्मी आवासों का निरीक्षण किया तथा थाना परिसर में साफ सफाई रखने की हिदायत दी। पुलिस अधीक्षक पूनम औचक निरीक्षण करने आदमपुर थाने में पहुंची। अचानक पुलिस थाने में पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक को देखकर सभी पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक ने सबसे पहले थाना कार्यालय पहुंचकर थाना अभिलेखों का निरीक्षण किया तथा थाना कार्यालय में तैनात पुलिस कर्मियों को रजिस्टर से सही तरीके के रख रखाव के लिए निर्देश दिए। आज कई थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया, अभी आदमपुर का भी आकस्मिक निरीक्षण किया हमने। वहाँ जन सुनवाई की व्यवस्था, अभिलेखों का रखरखाव, थाने की साफ सफाई और जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, इन सबकी लंबित विवेचनाओं की सबकी समीक्षा की गई है। और अभिलेखों में जहाँ प्रविष्टियाँ नहीं थी, अपडेट करने की आवश्यकता थी, उसके संबंध में निर्देशित किया गया है और प्रभावी जन सुनवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं और थाना परिसर का सही तरीके से रखरखाव रखने के लिए इनको निर्देशित किया गया है। जो महत्वपूर्ण रजिस्टर हैं, जैसे भूमि विवाद रजिस्टर है, महिला अपराध संबंधी रजिस्टर है, इन सभी का अवलोकन किया गया है और जो लंबित प्रकरण है उनके निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। अमरोहा के हसनपुर के नवीन मंडी में भारतीय किसान यूनियन भानु की ब्लॉक स्तरीय पंचायत में सात सूत्रीय मांगों को लेकर नया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। नवीन मंडी परिसर में शुक्रवार की दोपहर भारतीय किसान यूनियन भानु की ब्लॉक स्तरीय मासिक पंचायत की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष धीरज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जिले में कई हजार किसान वंचित हैं। शीघ्र सभी किसानों को किसान सम्मान निधि की समस्त किस्त दिलाई जाए। किसान सहकारी चीनी मिल पर किसानों का 27 करोड़ रुपए बकाया है। 4 वर्ष पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ चीनी मिल की पेराई क्षमता दोगुनी करने के लिए कहे गए थे, लेकिन सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य में जो 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, महंगाई के हिसाब से वह बहुत कम है और 4 वर्षों का समस्त बकाया में ब्याज दिलाया जाए। ब्लॉक स्तरीय भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक मीटिंग होती है, इसमें किसानों के ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिन्हें आज तक नजरअंदाज करती रही है सरकार और उन मुद्दों को उठाकर हम अपने समस्याओं का निराकरण कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रोग्राम करते रहे। अभी हमने पीछे भी एक मीटिंग की थी, उसमें था चीनी मिल में, उसमें उन्होंने कहा कि हम चीनी मिल चलने से पहले पहले आपका सारा पेमेंट कर देंगे, जबकि अभी 22 मार्च तक का पेमेंट आया। कानून ये है कि भी अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं देते हैं तो उसको ब्याज दिया जाएगा, तो ब्याज तो ब्याज अभी तो हमारा असली नहीं मिल रहा। विस्तारीकरण की भी बात चली, आज तक विस्तारीकरण नहीं हुआ अभी, और ऐसी इतनी समस्याएं हैं कि पंजाब हरियाणा में हमारे यहाँ से एक जगह फ्री है बिजली किसान के लिए, एक जगह 15 रुपये हॉर्स पावर है, हमारे यहाँ 170 रुपये हॉर्स पावर है किसान के लिए बिजली, उस पर भी हम मीटर लगाने शुरू कर दिए। ऐसी बहुत समस्याएं हैं हमारे किसानों की, चकबंदी समस्याएं हैं, कुछ राशनों की समस्याएं हैं, कुछ जन किसान सम्मान निधि की है, उन समस्याओं पर ये चर्चा है। और ये अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव में दबंगों द्वारा तेल की खोलती कढ़ाई फेंकने से 3 किशोर घायल हो गए। मामला आदमपुर थाना क्षेत्र का गांव का है, जहां गांव के शिव मंदिर पर चल रही रामलीला में श्रवण सैनी ने छोले भटूरे की दुकान लगा रखी थी, जहां रात के करीब 10 बजे 4 से 5 दबंग आकर गाली गलौज करने लगे। जब श्रवण ने इसका विरोध किया तो दबंग लड़कों ने तेल की खोलती कढ़ाई उनके ऊपर फेंक दी, जिससे श्रवण की दुकान पर काम कर रहे 3 किशोर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।